कालू लामा के लिए बिहार से 5 शूटर बुलाया गया था। मोरावादी के एरल हाथू में कालू लामा को मारने का प्लानिंग किया गया था, लेकिन वह सफल नहीं रहा। जी हाँ, नमस्कार, मैं हूँ राशिका बजाज। जैसा कि आपको पता है कि कालू लामा से जुड़े सारे खबर को हमारा चैनल सबसे पहले दिखा रहा है, तो आप भी सब्सक्राइब करके हमारा साथ देना ना भूलें। जानकारी के मुताबिक पिछले 1 साल के अंदर रंगदारी और जमीन दलाली कर सुर्खियों में आया अपराधी कालू लामा की हत्या की प्लानिंग 1 सप्ताह पहले ही कर ली गई थी। एक सप्ताह पहले एदल हाथू में कालू लामा मारा जाना था, उस पर गोली भी चली थी, लेकिन वो बच निकला, जिसके बाद उसे मारने की प्लानिंग लॉ कुश शर्मा ने कर ली थी। बिहार से 5 शूटर बुला लिए गए थे। गुरुवार को कालू जैसे ही अपने घर से निकला, उसके पीछे जमीन माफिया बिट्टू खान लग गया था। पहले लामा बरियातू थाना हाजिरी लगाने आया, उसके पीछे बिट्टू खान लगा था। थाने से ही कालू लामा की रेकी हो रही थी, जैसे ही वो थाने से हाजिरी लगा कालू निकला, बिट्टू खान ने अपने शूटरों को इसकी सूचना देकर उन्हें बुलाया। शूटरों को मोरहाबादी मैदान की ओर बुलाया गया, क्योंकि कालू मोरहाबादी की ओर ही चाय पीने निकला था। फिर उसे फिल्मी स्टाइल में शूटरों ने घेर कर दौड़ा कर बीच राह में गोलियों से छलनी कर दिया। बता दें कि बिहार के जहानाबाद के शूटर ने हत्या की घटना को अंजाम दिया है, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। कालू लामा कुछ दिनों पूर्व ही जमानत पर जेल से बाहर निकला था। रांची पुलिस ने बीते 20 अप्रैल 2020 में बरियातो स्थित जोगो पहाड़ से कुख्यात अपराधी कालू लामा को 6 साथियों के साथ गिरफ्तार किया था। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।